हाय, पहचाना मुझे? अरे उस दिन जिस बेचारे को तुमने ठोका था वो मैं ही तो हूँ। What? क्या यार, तुमने पहचाना नहीं? नहीं तो? बम्पर टूट गया, डिक्की अंदर घुस गई। अरे आजकल की लड़कियां कितनी मतलबी हो गई हैं। एक तो ठोकती हैं, ऊपर से भाव खाती हैं, और पपलू टपलू को रेस्टोरेंट में लाकर रोमांस रोमांस खेलती हैं। कहाँ वो डालडा, कहाँ मैं देसी घी, और उसको आई लव यू और मुझको हुआ रही। कितने पैसे चाहिए? 100 करोड़। What? इतने पैसे नहीं है ना, तो मेरे साथ एक कॉफी पी लो, बस सब सेटल हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम क्या यहाँ मुझसे लड़ने आए हो? अरे लड़ने नहीं आया हूँ, तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। वैसे उस थके हुए का नाम क्या? शट अप जयंत। ओह शट अप जयंत, एक काम करो, उसे ड्रॉप करो और मुझे पिकअप करो। एक्सक्यूज मी, देखो ना तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे प्यार करता है, ना ही तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स है। मैं जानती हूँ मेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स है, ये तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रूव कर दिया तो तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीनी पड़ेगी। क्या हुआ? गाड़ी को ठोक दिया किसी ने। आई विल किल दैट इडियट। आजकल किसी का भी भरोसा नहीं है, कौन किसके साथ बैठा और किसको देख रहा है पता है। अच्छा अभी तुझे कौरता हूँ। ब्लडी इडियट, दिखता नहीं अंधे हो क्या? सॉरी सर, माफ कर दीजिए। आप इस तरह कस्टमर्स को ऑर्गेनिक और हाइजीनिक खिलाते हो? दिस इज हाउ यू डील विद कस्टमर्स? उस दिन एक्सीडेंट के बाद अगर वो मर जाता तो अच्छा होता। Ladies and gentlemen, I'm a new recruit in a very big multinational company. मेरे टैलेंट को परखने के लिए मुझे एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया गया है, so please wish me luck. All the best. In which company, bro? Company Al-Qaeda ISIS Kismis. इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने इस होटल में RDX बॉम्ब प्लांट किया है। 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर के रेडियस का सारा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर कोई भी बच गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, तो प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। डोंट वरी, 5 मिनट बाद किसी को पता नहीं चलेगा। भागो! अरे अरे रुको, रुक जाओ यार, मेरी नौकरी चली जाएगी। जाओ मत, बेरोजगार की बदबू लगेगी, भागने का कोई फायदा नहीं है। अरे मत जाओ। ओह कहाँ गए सब? किसी ने कहा यहाँ पर बॉम्ब है। What? इसलिए सब भाग गए। बॉम्ब? हाँ। और जयंत? वो देखो, वो रहा डरपोक रेस में सबसे आगे। और तुम यहाँ मेरी खातिर रुके? या। अरे तो चलो यहाँ से, रुके क्यों हो, बॉम्ब फट जाएगा। वो अफवाह मैंने ही फैलाई थी। क्या? तुम्हें क्या लगा इस तरह की अफवाह फैलाकर तुम हीरो बन जाओगे? तुम एक बार कह के तो देखो, तुम्हारे लिए हीरो तो क्या, टेररिस्ट भी बन जाऊं। ये स्माइल मार डालेगी, पर तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। प्लीज एक कॉफी पी लो ना। सॉरी सॉरी उस एक्सीडेंट के लिए। कॉफी? आदित्य का ड्रीम अब पूरा हो गया था। पहले जो वन वे ट्रैफिक था अब टू वे हो गया। अंजलि और आदित्य की लव स्टोरी परवान चढ़ रही थी। आदित्य का लड़कियों के साथ बैठना और उनके साथ बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने उस पर बैन लगा दिया। सिगरेट पीना और शराब पीना भी अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं था, उसने उसकी शराब और सिगरेट पर भी बैन लगा दिया। सुबह होती तो अंजलि से गुड मॉर्निंग सुनकर सब कुछ मानो आदित्य के प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन किस्मत को ये प्लान मंजूर नहीं था, क्योंकि इस कहानी के साथ अंडरवर्ल्ड की कहानी भी जुड़ी थी। देवराज भाई ड्रग्स के धंधे के बेताज बादशाह थे, धंधे में उनकी टक्कर का कोई भी नहीं था। रघु और साधु दोनों सगे भाई उनके लिए काम करते थे, सारा धंधा वो दोनों ही मैनेज करते थे। जिस दिन देवराज भाई को पता चला कि उनकी बेटी नशे की आदी हो गई है, उसी दिन से देवराज भाई ने नशे के धंधे पर फुल स्टॉप लगा दिया और पलट के उस धंधे की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। लेकिन साधु और रघु इसी धंधे को आगे बढ़ाना चाहते थे। देवराज भाई ने रघु को मार डाला। साधु को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसने ठान लिया कि वो उससे बदला लेगा। जब कमला को वो रिहैब सेंटर ले जा रहे थे, तब साधु ने उसकी गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगा दिया। साधु को लगा कि कमला भी मर गई, पर कमला जिंदा थी। क्या कर रहे हो? नई ड्रेस अच्छी है। लास्ट ईयर बर्थडे पर पहनी थी, भूल गए क्या? अरे मैं कैसे भूलूंगा, मैंने ही तो गिफ्ट दी थी तुम्हें। ये डैड ने दी थी। ओह राइट, तब हम दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी ना। शट अप, हमारे अफेयर को शुरू हुए 2 साल हो चुके हैं। रियली? ऐसा लग रहा है आज ही सुबह मिले। डैड को हमारे बारे में पता चल गया है, वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। प्रकाश अंकल के बेटे ने तो हाँ भी बोल दी है। तुम मुझे पसंद आ सकती हो तो किसी को भी आ सकती हो। बी सीरियस आदि, तुम्हें मेरे डैड से बात करनी होगी।
ठीक है चलो तुम्हारे डैड से बात करते हैं। और डैड नहीं माने तो भाग कर शादी करेंगे। पकड़े गए तो पता है क्या अंजाम होगा? तो अपनी जान दे दूंगा। रियली? रियली मतलब रियली। आई लव यू आदि। आई लव यू टू। आंखें बंद करो। अरे ये ए मतलब? ए मतलब हमारे नाम अंजलि आदित्य। तो क्या अगर तुम मुझे बता दो कि आज क्या स्पेशल डे है, देन आई एम ऑल योर्स। एक मिनट। हाँ यस। बम्पर ऑफर के साथ कंडीशन अप्लाई का लोचा कर दिया। हाँ ठीक, 2 साल पहले हम इसी जगह पर मिले थे, है ना? गलत बोला क्या? हाँ तुमने आज से 2 साल पहले मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, है ना? नो no. ये भी नहीं। हाँ तुमने आज ही के दिन मुझे प्रपोज किया था ना? नो no, मैंने प्रपोज नहीं किया था, तुमने किया था। और आज वो दिन नहीं है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Anjali, happy birthday to you. Oh, thank you so much. दूर रहो मुझसे। Sorry baby, I'm so lucky. मैं अपना birthday भूल गया, लेकिन तुम्हें याद था। आज के बाद मैं अपना बर्थडे कभी नहीं भूलूंगा। Just shut up. This is too much. मैं अपना बर्थडे भुलाऊं तुम्हारा थोड़ी। हम पहली बार कब मिले तुम्हें याद नहीं? तुमने प्रपोज किस दिन किया वो भी याद नहीं? मेरा बर्थडे याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारा बर्थडे याद रख के ये सरप्राइज प्लान किया, और एक तुम हो जिसने मुझे निराश कर दिया। अरे मैंने कब कहा कि मुझे ये सब याद नहीं है? लाया, जब मैंने पूछा आज क्या स्पेशल है तो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं था। इसका मतलब यही है ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? सब कुछ भूल जाना भी प्यार होता है। मेरा प्यार इतना गहरा है कि उसके आगे मैं सब कुछ भूल गया हूँ। आज के बाद मैं सब कुछ याद रखूंगा, प्लीज। अब रहने दो। प्लीज अंजू, तुम्हारे लिए मैं सारी बुरी आदतें छोड़ चुका हूँ। अरे लड़कियों से बात भी नहीं करता, चाहो तो मेरा फोन चेक कर लो, लड़की का नंबर तक नहीं है। देखो नहीं मानती ना, फोन का स्पीकर ऑन करता हूँ। ये लो। हेलो। हैप्पी बर्थडे आदि। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? ओ आसपास लोग हैं क्या? जब भी मैं किस करती हूँ तुम रिप्लाई में मुझे किस करते हो, आज क्या हो गया आदि? हे कौन हो तुम? हेलो, ये सब बोलने की हिम्मत कैसे की तुमने? चीटर। हैप्पी बर्थडे। चुप करो यार, ये लो। हाँ थैंक यू। जाओ अंजलि। अरे अंजलि सुनो मेरी बात। अंजलि अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है साधु, साधु सिंह। ऐसा कोई काला काम नहीं है जो साधु नहीं करता। यो समझ लीजिए कि खौफ का दूसरा नाम है साधु भाई। चेक ब्रदर, जिस तरह कबड्डी में बार बार कबड्डी कबड्डी बोलते ना भाई, वैसे चेस में बार बार चेस चेस नहीं बोलते। चेस बोल के मैं अपने शूटरों को चेक करता हूँ, समझा क्या? हेलो भाई, कमला ने हमारी दुकान पर हमला कर दिया। क्या बोल रहा है तू? ऊपर से धमकी दी है कि आपको फोन करके बता दूं। मैं वहां पहुंच रहा हूं। फंटरों, किसने कहा था कि देवराज की छोकरी कमला लुढ़क गई है? भाई अपुन बोला था, अपुन नहीं उस दिन आपको वो ब्रेकिंग न्यूज दी थी। अच्छा इधर आ। गोलू मोलू कालू। ए तू गेम खेलेगा? कौन सा? अरे जिसमें छड़ी को बॉल से मारते हैं। गोल्फ। हाँ ये देख, ऐसे उठाया और ऐसे पकड़ा, देख रहा है ना? जी भाई। अच्छे से देख। पर तुम्हें अपुन की भी धुलाई हो जाएगी। भाई भाई देखो ना, आप जीत गए, चेस में आप जीत गए। जो साधु को पक्की खबर नहीं देता, साधु उसकी खबर ले लेता है। अरे बाबा मुझे खून खराबा पसंद नहीं। अपुन ने घपला किया है, भाई को पता नहीं चलना बंद कर। मैं गया काम से। अरे ये क्या किया तूने? अपने आप को मार दिया। उस दिन जब कार में ब्लास्ट हुआ था
तो अपन को लगा कि कमला मर गई, पर बाद में अपन को पता चला कि वो नहीं मरी थी, सिर्फ उसका बाप मरा था। अरे तो क्या हुआ, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, अपने आप को मारने की क्या जरूरत है? वो क्या है भाई कि अपन ने भी आपसे सच छुपाया था, झूठ बोला था। मतलब भाई जब आपसे कोई झूठ बोलता है तो आपको क्रोध आ जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके हाथों कुत्ते की मौत मरने से बेहतर इंसान की मौत मर जाऊं। कथित झूठ उसने बोला तो मैं तुझे क्यों मारूंगा बता? मुझे ऐसा लगा था। अरे तू तब मरता जब मुझसे झूठ बोलता, खाली फोकट कोल्हापुरी घुसा के भेलपुरी निकाली। आपकी खुशी के लिए अपन ने खुदकुशी का ट्राई मारा, अब अपन को एसी वाले हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल ले चलो, मरने का शौक था ना भाई? टकले भाई, ये जल्दी टपक जाएगा, इसको शेयर ऑटो में डाल के भगा दे। ओके भाई। बेकार की मचमच आप उनको पसंद नहीं। अब ये ठकराल, गेम में कोई लोचा किया क्या भाई? वो आपके हाथों मरने से अच्छा है अपना खुदराम नाम सत्य कर लेता हूँ मैं।